भूपेश बघेल जी को यह भी ध्यान नहीं है कि ये घटना कितने दिनों की है। उन्होंने कहा कि अगर पहली घटना जो हुई थी कचरू साहू वाली, उसको अगर पुलिस ऐसे जांच कर लेती और नहीं कहती तो फिर ये दूसरी घटना नहीं होती आगजनी वाली। ये अलग अलग दिनों की घटना नहीं है भाई, वो 3 घंटे के अंदर अंदर की घटना है। ये थोड़ा ध्यान करके बोलिए आप लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश मत करिए। दूसरा मैं आपसे विषय कहना चाहता हूँ कि जिसने कचरू साहू की हत्या की है उसके कहने पर, उसके आवेदन पर, उसके बयान पर कोई FIR दर्ज हुआ है, कोई गिरफ्तारी हो रही है, अपना बार बार आप बोल रहे हैं। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंने आप ही के कहने पर, पुलिस की जांच पर मैं कभी बात नहीं करता हूँ, परंतु आपके कहने पर ही मैंने पुलिस प्रशासन से पूछा और ये स्पष्ट हुआ कि उस व्यक्ति के कोई बयान, कोई आवेदन पर कोई FIR, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों समाज के बीच में भ्रम फैलाते हैं। तीसरा मसला मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी हो बच्चों के पीछे खड़े होकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो भी हो बच्चों को हथियार बनाकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। गांव वाले नहीं चाहते ये सब करना। आप कोई वीडियो दिखा रहे थे मेरे कार्यालय का, अरे भैया रोज आइए, रोज मिलेगी ऐसी वीडियो आपको, रोज वीडियो करिए, उसमें रोज वीडियो करिए, कोई बात नहीं है। लेकिन ये बच्चों को सामने खड़े करके राजनीति करना ये शोभा नहीं देता। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं आप, मैं निवेदन पूर्वक आपसे कहना चाहता हूँ, एक विशेष बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि लोहारी डी घटना के पीछे मूल कारण क्या है। तो विगत सरकार जब आप मुख्यमंत्री थे और मोहम्मद अकबर कवर्धा से विधायक थे, हर बात के पीछे भाजपा और कांग्रेस छांटा जाता था। उस समय भी जब जमीन के, सरकारी जमीन पर कब्जे के विवाद को लेकर के घटना हुई थी लोहारीडी में, अगर उस समय उचित दंडात्मक कार्यवाही कर दी जाती तो लोहारीडी में वो विवाद नहीं बढ़ता, और विवाद नहीं बढ़ता तो आज ये घटना लोहारीडी में नहीं होती। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की विगत सरकार और कांग्रेस पार्टी लोहारीडी की उस घटना के पीछे है। कांग्रेस पार्टी सूरजपुर में अभी घटना हुआ उसके पीछे है। कांग्रेस पार्टी बलौदाबाजार में जो घटना हुई है, आपके लोग जेल में हैं अभी, उसके पीछे है। इस तरह से हर जगह षड्यंत्र करके ये काम किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। गांव में दोनों पक्ष अब साथ होकर के, शांत होकर के ठीक से रहना चाहते हैं, परंतु आप नहीं चाहते हैं कि गांव शांत हो। आप जबरदस्ती एक पक्ष को उठा करके और दूसरे पक्ष से लड़ाने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने मुस्तैदी से काम किया और कचरू साहू के हत्यारे को मध्य प्रदेश की पुलिस, छत्तीसगढ़ की पुलिस के फीडबैक पर मध्य प्रदेश की पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया हुआ है। ये बिल्कुल स्पष्ट था सबको, सब उस लाइन पर चल रहे थे। आप जबरदस्ती कह रहे हैं, मैंने कहा, ये किसने कहा, आपने जबरदस्ती श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, ये पुलिस का स्पष्ट रूप से उस पर काम था। वर्तमान में जो जेल में है और जो है सबकी जांच हो रही है।